नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं, खबर उदयपुर से आपको देंगे, जहां पर छात्र देवराज हत्याकांड के बाद हुए तनाव और अशांति अब बहाल होने लगी है। जनजीवन एक बार फिर से पटरी पर लौटने लगा है। आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन ने कल ही स्कूल कॉलेज खोलने के आदेश जारी कर दिए थे और ऐसे में आज कई स्कूल कॉलेज खुले हैं, लेकिन भारत बंद के चलते सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। कई स्कूलों में आज भी छुट्टी रखी गई है, तो वहीं मार्केट में भी कई दुकानें अभी बंद हैं, तो कई जगहों पर खुल भी गई हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी अभी भी मुस्तैदी से मॉनिटरिंग कर रहा है। हालांकि लेक सिटी में इंटरनेट आज दोपहर 2 बजे तक बंद है, जिसे आगे रिव्यू करके खोल दिया जाएगा। हत्याकांड के बाद अब पूरी तरह से माहौल शांतिपूर्ण बन गया है। धीरे धीरे जनजीवन फिर से एक बार पटरी पे आ गया है और शांति बहाल कर दी गई। जिला प्रशासन ने पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम की है, लोगों का जनजीवन फिर से एक बार पटरी पाने लगा है। और अब जो है कि उदयपुर शहर में अब धीरे धीरे मार्केट खुलने लगा है, स्कूल कॉलेज भी खुलने लगे, लेकिन आज भारत बंद का आह्वान को देखते हुए अभी भी कई जगह स्कूल कॉलेज नहीं खुले, कई जगह मार्केट नहीं खुले। मैं अभी इसमें मौजूद हूँ उदयपुर के गुरु गोविंद स्कूल के बाहर। आप देख सकते हैं गुरु गोविंद स्कूल शहर का, इसमें अभी बच्चे सुबह आए हैं, अपनी क्लासों में पढ़ रहे हैं और जो गेट पर जो टीचर्स भी अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर ने कल पूरी तरह से घोषणा की थी कि अब उदयपुर में धारा 100 हालांकि 144 लागू रहेगी, लेकिन पूरी तरह से मार्केट खुलेंगे, स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे। लेकिन एक बार फिर भारत बंद का जो आह्वान है उसको देखते हुए अभी भी कई जगह इसका मिला जुला असर दिख रहा है, क्योंकि सुबह भी अभी काफी दुकानें नहीं खुली है और कुछ दुकानें खुली है, तो कई जगह स्कूल कॉलेज बंद भी है और तो कई जगह चालू है। तो पूरी तरह से व्यापक असर देखा जा रहा है बंद का भी, लेकिन शहर में और पूरे जिले में अब पूरी तरह से शांति हो चुकी है, तनावपूर्ण माहौल खत्म कर दिया गया। लेकिन एहतियात के तौर पर अभी भी धार्मिक स्थलों पर पुलिस व्यवस्था की गई ताकि अभी भी किसी तरह का कोई तनाव नहीं हो, लेकिन पूरी तरह से अब तनाव से बाहर है और लोगों का जीवन जो है कि एक बार फिर से पटरी पे आ चुका है और पूरी तरह से शांति बहाल हो चुकी है। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज 18। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के रामदेवरा के पास राठौड़ा गांव के खेत में बुधवार की दोपहर में आसमान से संदिग्ध वस्तु गिरने से हड़कंप मच गया। आसमान से उड़ती हुई संदिग्ध वस्तु खेत में गिरी है, जिससे खेत में गहरा गड्ढा हो गया। चारों तरफ आग लगने से जमीन पर जलने के निशान भी बन गए हैं, तो लोगों ने तुरंत देखा तो भाग कर घटनास्थल पर पहुंचे। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार आसमान से गुजर रहे हवाई जहाज से ये वस्तु गिरी है, जिससे तेज धमाके के साथ जमीन में गड्ढा हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह भाटी और रामदेवरा पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे। भीलवाड़ा में लंबे इंतजार के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है और शहर सहित जिले भर में इंद्रदेव ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया है और इस दौरान बिजली की गरज के साथ तेज बारिश शुरू हो गई है, जो रात भर जारी रही। दिन भर तेज बारिश और तेज गर्मी और उमस से जनजीवन बेहाल रहा। रात को हुई बारिश से राहत मिली, लेकिन बारिश के चलते शहर के अधिकतर इलाके जो है वहां पर जलभराव हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर की सड़कों पर पानी भर गया। भीलवाड़ा के सबसे बड़े जिला अस्पताल में भी बारिश का पानी घुस गया, जो आउटडोर तक पहुंच गया। ऐसे में मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, गरज के साथ ये तेज बारिश शुरू हुई थी और रात भर बारिश का दौर इसी तरीके से जारी रहा। बात अलवर की करें तो पिछले 24 घंटे में हुई तेज बारिश के बाद सिलीसेड झील भरने के बाद झील की पाल से पानी की लगातार चादर चल रही है और झील भरने के बाद पहली बार झील से पानी चादर की तरह बह रहा है। झील में लगातार पानी की आवक जारी है, जिससे आज दूसरे दिन झील की ऊपर पर पानी की चादर चल रही है। इसे देखते हुए फिलहाल मौके पर कोई सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी और होमगार्ड के जवान लगाए गए हैं। लोगों ने अब पानी को देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंचना शुरू हो गई है। उन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा अब रास्ते में रोका जा रहा है। अलवर में बीते 8 सालों की तुलना में इस बार सामान्य से अधिक बारिश हुई है, जिसका असर देखने को मिला है और जिले के कई बांध जो हैं वो भर चुके हैं। राजस्थान की पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट
द्रव्यवती रिवर फ्रंट बदहाल हालत में है। वसुंधरा सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर सौंदर्यीकरण के नाम पर 1600 करोड़ रुपए से भी अधिक का खर्च किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद उपेक्षा और मॉनिटरिंग के अभाव में ये प्रोजेक्ट आज कीचड़ और मलबे में तब्दील हो चुका है, जो सेहत के बजाय लोगों को बदबू और बीमारियां बांट रहा है। यह है जयपुर की द्रव्यवती नदी, जो इन दिनों लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा रहता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों का आरोप है कि इसकी सफाई नहीं की जाती, जिसके चलते यहां से निकलना किसी जंग से कम नहीं होता। इधर से जाते हैं तो बहुत गंदा लगता है, जाने का मन नहीं करता। इधर सब्जी के ठेले लगते हैं, इधर ही हम सब्जी लेने आते हैं, बहुत गंदगी रहती है यहाँ पे, मन नहीं करता इधर से जाने का। प्रदेश की पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में शहर के सौंदर्यीकरण के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट गंदगी और कीचड़ में बदल चुका है। मॉनिटरिंग के अभाव में द्रव्यवती नदी में सीवर का पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि नियम के मुताबिक नदी में सीवरेज का ट्रीटेड पानी छोड़ा जाना था। ये जैसे नाले के अंदर गंदगी है कि मलबा उलवा भरा पड़ा है, ये हट जाए तो मच्छर मक्खी थोड़ा कम हो जाए, बदबू थोड़ा कम हो जाएगा, यही है। द्रव्यवती नदी के हालात इन दिनों बेहद खराब है। सफाई के अभाव में मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिसके चलते आसपास रहने वाले आबादी मच्छरों के कारण डेंगू और मलेरिया का शिकार हो रही है। जब से मैं देख रहा हूँ ऐसा तो गंदगी है, कोई साफ सफाई तो है नहीं। कोई कोई आ रहा है थोड़ा बहुत साफ सफाई करता है, ऐसा रहता है, इसमें बहुत आदमी का बीमारी वगैरह बहुत कुछ रहा है। तो मैं बताऊँ, इसको अगर साफ सफाई करने का कोई अगर है तो करवा दो, फिर सही है। दरअसल नाहरगढ़ की तलहटी से शुरू होकर ढूंढ नदी गोनेर के पास स्थित रामचंद्रपुरा डैम तक 47 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट में 170 MLD क्षमता के 5 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं। इसके अलावा यहां वॉकवे, साइकिल ट्रैक, 3 बड़े पार्क भी बने हैं, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में आज ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे बदहाली की ओर बढ़ रहा है। बहरहाल जयपुर विकास प्राधिकरण ने 2016 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के वक्त पर इस प्रोजेक्ट के काम की शुरुआत की थी। तब टाटा कंपनी को इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए करीब 1471 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट के अगले 10 साल तक मेंटेनेंस रखने के लिए 206 करोड़ रुपए की राशि भी निर्धारित की गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट अधूरा होने और 2018 में सरकार बदलने के बाद से अब तक ये बदहाली का शिकार हो रहा है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इस बीच जयपुर से आपको बड़ी खबर देते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन दाखिल किया है बीजेपी से, राज्यसभा उम्मीदवार है बिट्टू। कांग्रेस ने नहीं उतारा अपना उम्मीदवार, बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना तय माना जा रहा है। नामांकन के 4 सेट किए बिट्टू ने दाखिल। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की मौजूदगी देखने को मिली। तो ये पल उस वक्त का है जब नॉमिनेशन फाइल करने के बाद बीजेपी के राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे हुए थे बिट्टू, और इस दौरान सीएम भी वहां पर मौजूद रहे और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी रही, दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहे। रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। बीजेपी के और भी बड़े नेता इस दौरान मौजूद रहे, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, क्योंकि अगर संख्या बल भी हम देखें तो बीजेपी आराम से एक सीट जो है वो राज्यसभा के लिए अपने लिए तैयार करी बैठी है, क्योंकि संख्या बल बीजेपी के पास अधिक है। ऐसे में आसानी से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है राज्यसभा का चुनाव। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, और अगर देखा जाए तो बिट्टू का निर्विरोध चुना जाना बिल्कुल तय है।
नामांकन के चार सेट होते हैं जिसे बिट्टू ने दाखिल किए हैं। नामांकन के चार सेट किए बिट्टू ने दाखिल, तो फिलहाल रवनीत सिंह बिट्टू ने अपना नामांकन भर लिया है और नामांकन भरने के बाद की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बाबूलाल इस वक्त हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ है। बाबूलाल देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू ने आज अपना नामांकन भर दिया है, राज्यसभा उम्मीदवार बीजेपी के हैं और सामने अगर हम देखें तो कांग्रेस ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है, जिससे साफ होता है कि निर्विरोध वो चुने तो जाएंगे। क्या तस्वीरें रही? रवनीत सिंह बिट्टू ने अभी अभी नामांकन का जो पर्चा है वो भर दिया है और इसकी पुष्टि अभी जो ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर उन्होंने करी है, तो पूरी प्रक्रिया जो है अभी भीतर चल रही है और चार सेट उन्होंने दाखिल किए हैं अपने नामांकन के। मंत्री जो हैं वो प्रस्तावक बने हैं उनके भजनलाल सरकार के, और उससे पहले नामांकन दाखिल करने से पहले तमाम जो विधायक और मंत्री मौजूद थे उनका परिचय कराया गया रवनीत सिंह बिट्टू का, और सीएम भजनलाल ने उम्मीद जाहिर की कि राजस्थान और पंजाब के जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा बेहतर होंगे और राजस्थान से मंत्रियों की तादाद भी बढ़ेगी और फूड प्रोसेसिंग और रेलवे के वो एमओएस हैं सेंटर में, तो ऐसे में राजस्थान में जो रेल प्रोजेक्ट्स हैं भविष्य में उनको भी और ज़्यादा उनको पूरा करने में तेज़ी आएगी। इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है राजस्थान में जिसे लेकर भी अब काम होगा, खास तौर से जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर स्पाइसेस को लेकर के और गुजरात जाना पड़ता है राजस्थान के किसानों को, तो उसके लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत काम की गुंजाइश है। तो इस कड़ी में रवनीत सिंह बिट्टू में राजस्थान की सरकार भी बहुत कुछ जो है देख रही है कि उनके केंद्र में मंत्री होने से और राजस्थान से उनके चुने जाने से बहुत कुछ लाभ राजस्थान को मिलेगा, राजस्थान के जो हित हैं वो इससे बहुत ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला है और राजस्थान की जनता को जो है इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर के इस वक्त राजस्थान की विधानसभा में वो तमाम औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं जो नॉमिनेशन के वक्त जिनकी ज़रूरत होती है, और एक एक करके कुछ विधायक कुछ मंत्री जो हैं वो निकले भी हैं विधानसभा से, तो एक तरह से उनका चुना जाना तय है, कोई अपोज किसी ने किया नहीं है, कांग्रेस इस चुनाव के मैदान में कहीं है नहीं, और क्योंकि 98 विधायकों की दरकार थी जीत के लिए तो बीजेपी का दावा है कि उनके पास में 121 विधायकों का समर्थन है, इसलिए एक औपचारिकता है बिट्टू का नॉमिनेशन दाखिल होने के बाद में उनकी जीत तय मानी जा रही है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अब बात रही डमी कैंडिडेट की, तो सुनील कोठारी से ज़रूर एक फॉर्म दाखिल कराया गया है लेकिन उससे कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला इस चुनाव में है नहीं, तो आने वाले दिनों में किस तरह से राजस्थान और पंजाब के जो रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे इसको लेकर के भी लोग अटकलें लगा रहे हैं कि राजस्थान और पंजाब बॉर्डर शेयर करते हैं और जिस तरह का नेतृत्व करने की क्षमता है रवनीत सिंह बिट्टू में उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा राजस्थान को, और केंद्र में राजस्थान के की जो भी समस्याएं होंगी तो उसमें सारे जब मंत्री और सांसद एक साथ बैठ करके और केंद्र की सरकार से बात करेंगे तो उसमें एक और आवाज़ जुड़ जाएगी, और इस कड़ी में रवनीत सिंह बिट्टू जो है अपने प्रदेश के साथ साथ में राजस्थान की जनता का भी ख्याल रखेंगे और यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीदें हैं उनसे, क्योंकि जिस तरह का उनका तजुर्बा रहा है भले ही वो इससे पहले कांग्रेस पार्टी में रहे हैं लेकिन जो उनकी कार्यशैली है वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है और जनता जानती है कि उनमें कुव्वत है, उनमें वो सलाहियत है, उनमें वो क्षमता है कि वो डेवलपमेंट के पैरोकार रहे हैं और एक युवा नौजवान ऊर्जावान चेहरा हैं जो विकास जिनकी प्राथमिकता में रहा है, और इसी कड़ी में माना यही जा रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू जीत करके जाएंगे नहीं बल्कि वो हमेशा यहाँ पर आते रहेंगे और राजस्थान की जनता से भी उनका जुड़ाव रहेगा। आमतौर पर राज्यसभा के लिए जो सांसद चुने जाते हैं वो बिल्कुल या तो चुनाव लड़ने के लिए आते नामांकन दाखिल करने के लिए या फिर जीत का सर्टिफिकेट लेकर के और फिर चले जाते हैं, बीच में कभी उनका जुड़ाव नहीं रहता है, कोई कभी कभार कोई आ जाता है तो बड़ी बात है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू के लिए यही माना जा रहा है कि वो राजस्थान की जनता से भी जुड़े हैं। लेकिन रवनीत सिंह की अगर मैं बात करूं तो उनका उनकी प्राथमिकताएं क्या रहने वाली है? आपने बात की होगी बाबूलाल उनसे, उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को क्या बताया है, किस तरीके से वो आगे कार्य करने वाले हैं?
जी देखिए, उनकी उम्मीदवारी कल शाम को तय हुई थी और उसके ऐलान के साथ ही उन्होंने दिल्ली छोड़ करके और जयपुर का रुख किया, और आते ही उन्होंने यही कहा था कि इस माटी का मैं कर्जदार रहूंगा, क्योंकि राजस्थान और पंजाब की सांझी संस्कृति है। यहाँ के जो जवान हैं, किसान हैं, वो न केवल खेतों से अन्न उपजाते हैं, देश का भरण पोषण करते हैं, बल्कि बॉर्डर पर दुश्मन से देश की रक्षा भी करते हैं। तो सरहद को बचाने के लिए जिस तरह से पंजाब का जवान बॉर्डर पर जाता है, ठीक उसी तरह की कल्चर, ठीक उसी तरह की रवायत। बिल्कुल बाबूलाल, हमारे पास भीतर की तस्वीरें भी आ रही हैं, जहां पर हम देख पा रहे हैं कि नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया है, अपने जो कागज हैं वो सौंप दिए हैं रवनीत सिंह बिट्टू ने, और उनके साथ मुख्यमंत्री भी हमें नजर आ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम की मौजूदगी भी वहां पर है। तो ये तो साफ है कि नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर दिया गया, अंदर की तस्वीरें भी आ गई हैं बाबूलाल जी। बिल्कुल, क्योंकि 12 से 3 बजे के बीच का समय तय था कि इस बीच में सारी नामांकन की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, और उसी के मद्देनज़र सारा जो काम है, जो औपचारिकता है, वो पूरी की जा रही है। तो पूरी की पूरी जो सरकार है वो एक साथ यहाँ पर रवनीत सिंह बिट्टू के साथ खड़ी नज़र आई है। सत्ता और संगठन के जो तमाम कद्दावर नेता हैं वो इस वक्त विधानसभा में हैं, और सबके चेहरे पर मुस्कान है कि उन्हें एक अच्छा नेता मिला है जो राजस्थान की बात को दिल्ली में पुरजोर तरीके से उठाएगा, और क्योंकि डबल इंजन की सरकार है इसलिए राजस्थान को इसका फायदा भी मिलेगा। और जैसा कि मैं बता रहा था कि रवनीत बिट्टू में जो है वो दमखम है कि वो कोई बात को कहेंगे तो उनकी बात ज़रूर सुनी जाएगी, भले ही वो राज्य मंत्री हैं, लेकिन उनमें वो चीज़ दिखती है जो कैबिनेट मंत्री की हैसियत रखने वाले नेताओं में होती है, क्योंकि उनके पास में संसदीय ज्ञान का अकूत भंडार एक तरह से, 3 बार पहले सांसद रहे हुए हैं तो एक्सपीरियंस है उनको, भले ही वो कांग्रेस पार्टी में थे लेकिन अब विचारधारा उनकी बदली है, कामकाज का तरीका भी उनका बदल गया है, और पूरा आशीर्वाद है उनके साथ में नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का और पार्टी के नेतृत्व का। तो उनमें एक भविष्य का बहुत बड़ा नेता दिखाई पड़ता है, और बीजेपी ने एक तरह से भारी भरकम निवेश किया उनके जरिए पंजाब में कि वहाँ पर पार्टी के काडर को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए एक ऐसे चेहरे को पार्टी आगे बढ़ा रही है जो सबको स्वीकार्य है, और जो सिख समुदाय के साथ साथ में हिंदू समुदाय में भी उनकी बहुत इज्जत है, लोग बहुत ही सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जन जन की पार्टी वहाँ पर बना दिया था। अब बीजेपी उनसे यही उम्मीद कर रही है कि जिस तरह से पार्टी उनके ऊपर मेहरबान है, ठीक उसी तरह से वो भी बदले में पंजाब में बीजेपी की जड़ों को और ज़्यादा गहरा कर सकें, वहाँ पर पार्टी के काडर को मजबूत बना सकें, नए लोगों को पार्टी से जोड़ सकें, क्योंकि कांग्रेस में उनका बहुत बड़ा जनाधार रहा है। तो अब उनको देख करके, उनकी जो विकास यात्रा है इसको देख करके, और वहाँ का जो नौजवान है वो अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए बीजेपी से जुड़ सकता है, तो बहुत सारी गुंजाइश उनमें है, बहुत सारी संभावनाएँ उनमें हैं, और इन्हीं संभावनाओं के मद्देनज़र बीजेपी ने एक बड़ा यानी कि कार्ड खेला उनके जरिए, हिंदू सिख यानी एक सिख चेहरा सामने पार्टी लेकर के आई है, और आने वाले दिनों में दो निशाने लगाए हैं, ताकि राजस्थान में भी उन्हें और राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर रखा है, और क्योंकि राजस्थान के जो कई जिले हैं वो पंजाब से बिल्कुल लगते हैं, और क्योंकि पंजाब और राजस्थान के बीच का जो टच है वो बहुत ज्यादा है, कई पंजाब के लोग जो है सिख समुदाय के लोग राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान के लोग पंजाब में रहते हैं, तो ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं एक तीर से दो निशाने लगाए गए हैं, और क्योंकि पंजाब में बीजेपी को अपनी पकड़ भी मजबूत बनानी है जो तक नहीं हो पाई है। जी, क्योंकि बीजेपी अभी नंबर 3 की पार्टी मानी जाती है पंजाब में, और ऐसे में पार्टी का जो कार्डर है उसको बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास में कोई मजबूत चेहरा नहीं था। अब रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो एक बड़ा चेहरा बनाए गए हैं, और पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके एजेंडे में पंजाब है, उसके फोकस में पंजाब है, और फोकल पॉइंट है पार्टी का कि कैसे भी करके और पंजाब में किसी भी तरह से जो सिख समुदाय है उसकी नाराजगी को दूर किया जाए, इसलिए वहाँ की जो मार्शल कम्युनिटी है, जाट सिख कम्युनिटी, तो उसके एक बड़े चेहरे के तौर पर रवनीत सिंह बिट्टू को लाया गया है। हरियाणा का भी चुनाव होगा तो एक मैसेज इसके जरिए हरियाणा में भी जाएगा, और हरियाणा में भी बड़ी संख्या में सिख वोटर हैं, तो उनको भी बीजेपी जो है अपने और करीब लाने की कोशिश करेगी, क्योंकि किसान आंदोलन से जो उपजा हुआ आक्रोश था उसको कवर करना है बीजेपी को, उसको शांत भी करना है। अभी भी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, तो ऐसे में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा बीजेपी को ग्रास रूट पर,
आम जनता के बीच में अपनी छवि को और चमकाना है, जो मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धरातल तक लेकर के जाना है, ऐसी वर्क फोर्स बीजेपी को तैयार करनी पड़ेगी पंजाब में, जो बीजेपी की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए और फिर आम जनता को उसका फायदा दिलाए। तो ऐसी कड़ी में एक ऐसा चेहरा लाया गया है जो भरोसा पैदा करता है जनता के बीच में, और ऐसा ये जो मुफीद चेहरा है रवनीत सिंह बिट्टू का है, जिसके जरिए बीजेपी आने वाले सालों में उत्तर भारत की जो राजनीति है उसको बदलने की कोशिश करेगी और इसका फायदा राजस्थान से भी लेने की कोशिश करेगी कि राजस्थान का जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का बेल्ट है, जहाँ पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय के मतदाता रहते हैं, तो उनमें भी एक छवि को निखारने की कोशिश है बीजेपी की, और इससे राजस्थान और पंजाब की जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ते हैं, वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। और आने वाले दिनों में रवनीत सिंह बिट्टू का फायदा दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में और उत्तराखंड के कुछ हिस्से में, जहाँ जहाँ भी सिख समुदाय डोमिनेट करता है, जहाँ आबादी उनकी बहुसंख्यक है, तो एक बहुत बड़ा सिख चेहरा बनाने की कोशिश की है बीजेपी ने अपने भीतर की। एक हमारे पास ऐसा चेहरा होना चाहिए जिसकी सभी जाति वर्गों में, धर्म में यानी कि स्वीकार्यता हो और जिसके साथ में खड़ा होने में लोग गर्व की अनुभूति करें, तो जो नाराज़गी है वो भी इसके जरिए दूर होगी, साथ ही कद भी बढ़ेगा रवनीत सिंह बिट्टू का, जो आने वाले सालों में बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। और बीजेपी बिल्कुल बाबूलाल, और हम देख रहे हैं कि तीन बार के सांसद वो रहे हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी से, और ये एक मैसेज भी है कि ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टी से अगर कोई नेता बीजेपी में आता है तो उसे कोई बड़ी पोजीशन नहीं दी जाएगी। ऐसा बीच में मन में भाव जो है वो लोगों के अंदर आने लग गया था, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में आने लग गया था, वो भी एक मैसेज है, क्योंकि ये चीज हमने हरियाणा में भी देखी है। इस बार जो कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा है वो भी काफी चौंकाने वाला, एक तरफ जाट तो एक तरफ सिख का मिला जुला जो कॉम्बिनेशन है वो बीजेपी की तरफ से बनाया गया। बहुत धन्यवाद बाबूलाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे अनूपगढ़ से, बड़ी खबर आपको देंगे। घरसाना के 12 एमजी टोल नाके पर संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन, 12 एमजी टोल नाके पर शुरू किया धरना प्रदर्शन, 30 किलोमीटर के दायरे के निवासियों को टोल मुक्त करने की मांग की गई है। अनूपगढ़ से बड़ी खबर, घरसाना के 12 एमजी टोल नाके पर प्रदर्शन, 30 किलोमीटर के दायरे के निवासियों को टोल मुक्त कराने की मांग की गई है। तो टोल नाके पर संयुक्त किसान मोर्चा का यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं 12 एमजी टोल नाके पर यह धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहां पर मांग ये की जा रही है कि 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं और उन गांवों को के लिए टोल को मुक्त कराया जाए, इसकी मांग जो है वो यहां पर की जा रही है। हमारे किसान बैठे हैं, इन सभी की मांग है कि 30 किलोमीटर के अंदर टोल फ्री किया जाए, क्योंकि एक चक्कर लगाने पे 190 रुपए काटे जाते हैं और 190 रुपए का मंडी जाने में हमारा डीजल नहीं चलता है, उससे ज्यादा ये अवैध वसूली करते हैं। तो हमारी मांग है कि पीछे के ठेकेदार ने जो 20 किलोमीटर का दायरा फ्री कर रखा था, उसी तर्ज पे नए ठेकेदार ने आने के बाद में अवैध वसूली शुरू कर दिया, वो अवैध वसूली बंद की जाए और 30 किलोमीटर का दायरा हमारा फ्री किया जाए। इस मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और जब तक हम धरने पर बैठे हैं टोल फ्री रहेगा, अगर प्रशासन सुनता है तो ठीक है, नहीं तो मीटिंग करके अगला प्रोग्राम हम चक्का जाम का भी देंगे। यहाँ से आने जाने वाले लोगों के साथ बदसलूकी की जाती है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ NHAI के जो सबसे बड़े मिनिस्टर हैं अमित शाह, नितिन गडकरी, उन्होंने संसद के अंदर बयान दिया था कि टोल के 20 किलोमीटर की परिधि का जो एरिया है उसके स्थानीय लोगों को किसी तरह का टोल नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी 20 किलोमीटर तक का एरिया फ्री नहीं किया जा रहा है और लोगों से लूट की जा रही है, तो ये निश्चित